से बात कर रही है आपकी। हमने माननीय मंत्री महोदय को बताया कि अगर समय रहते छात्रों के हित में, युवाओं के हित में अगर फैसला नहीं लिया जाता तो 7 दिन बाद इससे भी कई गुना बड़ा उग्र आंदोलन होगा, प्रदर्शन होंगे और पूरे राजस्थान भर में होंगे। क्योंकि आज जहाँ कहीं युवा अपनी बात रखने के लिए आगे आता ना सर, तो उसकी बात को दबाने के लिए लाठी का, मुकदमों का और ऐसे कोविड प्रोटोकॉल का सहारा लिया जाता है ताकि कैसे भी करके हम युवाओं को रोकें। पर आप पिछले 2.5 से 3 घंटे में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक भी युवा हिलने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूती से खड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर 7 दिन के अंदर समय रहते अगर प्रशासन छात्र हित में फैसला नहीं लेता है तो हम आगे भी और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इतना वक्त क्यों लगा वार्ता में, तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया? हमारे क्या है कि साहब यहाँ पे लोकतंत्र के अंदर एक दर्रा बना दिया कि जब तक कोई चीज नहीं हो, वारदात नहीं हो, तब तक ये किसी को सीरियस नहीं लेते। विद्यार्थी वर्ग जो अनुशासित है, आज हजारों की संख्या में विद्यार्थी आने के बाद में भी शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। और हम भी ये चाह रहे थे कि हमारा मोटिव ये है कि छात्रों के हित में फैसला हो, किसी भी तरह की अराजकता या किसी भी तरह की ऐसी निंदनीय घटना नहीं है। पर कहीं ना कहीं प्रशासन ये चाह रहा है कि युवाओं को कमजोरी मिले। पर मैंने आज पूरे तरीके से माननीय मंत्री महोदय को और समस्त जो भी डेलीगेशन के सामने हमें से मिलने आए थे उन सबको मैंने चेताया है कि 7 दिन के अंदर छात्र हित में फैसला नहीं लिया तो हम लड़ाई और भी मजबूत। अभी धरना स्थगित करने की घोषणा की जाएगी? धरना स्थगित नहीं है, 7 दिन बाद वापस आएंगे अगर ये नहीं करते। ठीक ठीक ओके।